दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सपनों की बात पे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सपने में चूहा काटने की जो कुछ अवस्थाएं होती हैं जो कि बहुत हद तक संकेत प्रस्त होती हैं या संकेत देने वाली होती है, वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और उसके क्या क्या अर्थ होते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि स्वप्न शास्त्र, शकुन शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्रों का मिश्रण होगा। स्वप्न से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं वो मैं अपने इस चैनल पर बनाता हूं और मैं आपको वही अर्थ बताने की कोशिश करता हूं जो स्वप्न शास्त्र, शकुन शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्रों का मिश्रण होता है। स्वप्न में चूहा काटने से रिलेटेड जो सपने होते हैं उसमें से जो सर्वप्रथम पहला सपना होता है वो सपना ये होता है कि कोई एक चूहा आपको काट रहा है और बहुत ही नॉर्मल सा जख्म वहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसको देखकर कहीं ना कहीं आप घबरा रहे हैं या फिर आपके मन में चिंतन की भावना उत्पन्न हो रही है। तो ये सपना आपको संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ हानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये हानि आपकी इच्छा के अनुरूप होगी, यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करने की आपके मन में इच्छा थी तो वो चीज़ तो आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जितनी इच्छा आपकी थी उतने प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि आपके इच्छा के अनुसार जो चीज़ें आपने अपने मन में सेट की हुई थी उससे कम आपको प्राप्त हो, चाहे वो धन हो, सम्मान हो, प्रेम हो, कुछ भी हो। अब अगर आप देखते हैं कि कोई चूहा ने आपको काटा, लेकिन वो बहुत हद तक काटता है आपको, आपके किसी अंग को डिफेक्ट कर देता है, किसी अंग को काट देता है, चाहे उंगली को काट दे, कान को काट दे या फिर किसी अंग को बुरी तरीके से काट दे, तो ये सपना आपके लिए थोड़े से डरावने हो जाते हैं और ये सपना आने वाले समय में होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की ओर दर्शाता है और ये संकेत करता है कि आने वाले समय में छोटी बड़ी जो डिजीज होंगी, बीमारियाँ होंगी, वो आपको परेशान कर सकती हैं और मानसिक परेशानियां भी आपके जीवन में हो सकती हैं। इसकी जो तीसरी अवस्था होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और बहुत सारे लोग इस प्रकार के सपने देखते हैं, वो तीसरी अवस्था होती है कि सपने में आप देख रहे हैं कि चूहों का ग्रुप आपके ऊपर हमला करता है और आपको कुतर रहा है। तो ये स्वप्न जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा उस वक्त तो भयावह होते ही हैं, डरावने होती हैं, लेकिन इसके जो अर्थ निकलते हैं वो भी आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाले होते हैं। ये सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आर्थिक हानि का आपको सामना करना पड़ सकता है, धन की चोरी का सामना करना पड़ सकता है एवं आपके कोई संपत्ति है आपके घर में, कोई आपके एसेट्स हैं तो उसकी चोरी हो सकती है, उसका भी नुकसान हो सकता है, टूट फूट सकता है। अब अगर आप देख रहे हैं कि स्वप्न में कोई चूहा आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स या किसी अन्य व्यक्ति को कोई चूहा काट लेता है, उसको हार्म कर देता है, तो ये किस प्रकार का सपना होता है? तो ये भी एक सपना, देखिए सपने में चूहा से काटने से रिलेटेड जितने भी सपने थे वो अशुभ ही होते हैं और ये भी सपना अशुभ होता है, मानसिक अशांति होगी और धन हानि होगी इसका संकेत करता है।